किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर है जो है लगभग 40 से 45 पर डिग्री तापमान है, तो जो आपने खेती किया है, सब्जी खेती किए हैं, गन्ने खेती किए हैं, तो उसकी सिंचाई आप करते रहिए। आज आपको हम अपने प्लाट पे चल रहे हैं कि दिखाने चल रहे हैं कि इसमें हमने पहले क्या लगाया था, अभी हमने क्या लगाया है, अभी क्या क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। आइए, ये जो आप देख रहे हैं, ये खीरा दो बेड पे लगा हुआ है, और ये दो बेड पे जो खीरा लगा हुआ है किसान भाइयों, ये जो है जो उधर आप देख रहे हैं खीरा, उसके बाद लगा हुआ था, अभी इसमें टूट रहा है, लेकिन ये बेचने के लायक नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में खीरा नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत मात्रा में निकल रहा है। और जो आप इधर ये देख रहे हैं, इस साइड में जो आप देख रहे हैं, इसमें फूल खूब बढ़िया से आ गया है, आप देख लीजिए, इसे खूब बढ़िया से फूल आ गया है, इसमें फल भी लग रहा है। ये किसान भाइयों, ये जो आप खीरा देख रहे हैं, ये खीरा जो है अभी तोड़ने के पोजीशन में है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें फल आ गया है, ये फल आ गया है, ये फल आ गया है, और बहुत सुंदर फल है। तो अभी इसकी तोड़ाई नहीं हुई है, इसकी तोड़ाई बहुत जल्द होने वाली है, एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। और ये तो केवल खाने के लिए है, जो जानवर हैं वो खा रहे हैं, हम मतलब घर के लोग भी खा रहे हैं, हित्र मित्र हैं वो भी खा रहे हैं, क्योंकि बेचने लायक नहीं। इसमें दो बेड है, तो इसमें मतलब नॉर्मल था, थोड़ा सा निकलता, ज़्यादा निकलता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं और हमने क्या क्या लगाया अपने खेत में। ये किसान भाइयों, पंकज की किसान पाठशाला का एक ऐसी मतलब जानकारी देने वाला ब्लॉग है, जिसमें कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। ये आप देख लीजिए, ये कितना इसमें कितना भर भर के फूल आया है, आप देखिए कितनी भारी मात्रा में फूल आया है, और फल आप देख रहे हैं, फल कितना सुंदर सा फल है, बढ़िया फल है। आइए आपको और दिखाते हैं। ये किसान भाइयों देखिए, किसान भाइयों, हमारे गांव में ये जो है पहली बार इसको हमने लगाया है, और हमने इसे जो है 4-5 पेड़ लगाया था, लेकिन इसमें भर भर के जो है फल लगा हुआ है, आपको हम दिखा दें, फल बहुत बहुत भारी मात्रा में फल लगा हुआ है। ये देखिए आप, आइए इधर आइए, ये देखिए ये सब बिल्कुल भर भर के फल लगा हुआ है, और अभी इसमें फूल भी आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि हमने इसमें दवा नहीं डाला है, क्योंकि ये घर में खाने के लिए था, कोई बेचने के लिए था नहीं, इसलिए हमने इसमें दवा नहीं डाला है। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें फल आया है, देखिए इधर देखिए, इसे कहते हैं तरबूज। और आइए दिखाते हैं, ये देखिए, ये भर भर के फल आया है, बढ़िया है, बहुत नंबर एक का है। आइए और दिखाते हैं, ये हमने लगाया था थोड़ा सा करेला, ये हमने करेला लगाया था, और ये करेला हमने 5-6 पेड़ लगाया था, ये छोटा वाला करेला है, कलौंजी वाला। तो ये जो है किसान भाइयों, ये मतलब एक ही बेड पे हमने लगाया था, और काफ़ी अच्छा जो है इसी पे हमने करेला लगाया था, इसी पे हमने जो है तरबूज लगाया था, और इसी पे हमने जो है कद्दू लगाया था। आइए दिखाते हैं आपको, जो किसान भाइयों, एक आप कद्दू देख रहे हैं, कोहड़ा, हमारे यहाँ कोहड़ा कहते हैं कद्दू, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल 4 पेड़ हमने लगाया था, और इसमें 25-30 कद्दू निकल आया है, मतलब इतनी भारी मात्रा में ये फल देता है। तो ये था हमारी फसल थी। और एक बार इधर दिखा दीजिए, इधर किसान भाइयों खीरा लगा हुआ था, अच्छा मात्रा में खीरा लगा हुआ था, और अभी इसको हमने काट के जो है, इसका जो वो रॉ मटेरियल है, पेड़ है, उसको हमने फेंक दिया है। और आपको इधर दिखा दें, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको दिखा दें, ये आप देख रहे हैं, ये खीरे का नया पौधा है, ये खीरे का नया पौधा है, आप इसे देख रहे हैं,
जो खीरा हमने लगाया था उसी मल्चिंग पे हमने दोबारा खीरा लगा दिया है, और इसकी नर्सरी हमने डाला था, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कोकोपीट के जरिए इसमें हमने नर्सरी डाला हुआ था, और जिस दिन हमने इसको ख़त्म किया, जिस दिन हमने इसे ख़त्म किया पेड़ को, उसके 2-3 दिन बाद इसको बढ़िया से साफ करके और इसी में हमने नर्सरी जो इसमें लगाया था उसको हमने इसमें लगा दिया छेद करके मल्चिंग, और फिर से ये तैयार हो रहा है। लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो है ये उसमें हुआ क्या था कि जहाँ हम नर्सरी डाले थे वहाँ पर थोड़ी सी छाया थी, छाया के चलते ये पौधा जो है ये बड़ा हो गया था, तो उसकी उस सिस्टम से थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लेकिन हम इसमें अब नई टेक्नोलॉजी से और कुछ बोने वाले हैं, उसको आपको हम बताएंगे, सस्पेंस में है। तो किसान भाइयों, ये जो पंकज की किसान पाठशाला का जो कार्यक्रम था ये हम काफ़ी दिन से दिखाना चाहते थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग जो है 45 के आसपास है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। इसको हम आपको दिखाना चाहते थे तो दिखा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज मौका मिल गया दिखाने का तो हमने आपको दिखाया, और आगे भी जो हम करते रहेंगे आपको हम दिखाते रहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं किसान भाइयों चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सुझाव अपना जरूर दीजिए कि आपकी राय क्या है। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार।